हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बंजारा मार्केट की एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ आज। और ये बंजारा 58 की मार्केट है। अगर आप अपना घर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ मार्केट में ज़रूर आएँ, एक्सप्लोर ज़रूर करें इस मार्केट में, क्योंकि आई थिंक इंडिया में सबसे बेस्ट मार्केट बंजारा मार्केट है। एज ए क्रोकरी फर्नीचर अगर आपको चाहिए, होम डेकोर का अगर सामान चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको हर सामान बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। बात करूँ मैं अगर लोकेशन की, लोकेशन ये 55 और 56 नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इसका। आप यहाँ आ सकते हैं बाय मेट्रो और वहाँ से ऑटो वाला आपसे 50 रुपीज़ के अराउंड लेगा। आप दोनों में से एक कोई भी मार्केट जा सकते हैं। 55 और 58 की मार्केट एक ही रोड पर पड़ती है। 58 की मार्केट जब ऑन रोड पड़ती है, इंटीरियर का हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में सरोजनी मार्केट अपने कपड़ों के लिए और एक्सेसरीज़ के लिए फेमस है, उसी तरह से बंजारा मार्केट अपने क्रॉकरी और यूनिक आइटम्स के लिए फेमस है। तो बिना देरी करिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये शॉप नंबर 1 है और इनके पास आपको ज़्यादातर कैंडल होल्डर या कैंडल टी लाइट कैंडल होल्डर टाइप्स रिलेटेड सामान मिलेगा। अगर आप बिल्कुल कैंडल्स भी चाहते हैं बनी हुई, जैसे मेक बिल्कुल प्यारी प्यारी कैंडल और बहुत ही लेटेस्ट फ्रेग्रेंस में इनके पास आपको कैंडल्स मिल जाएंगी। और ये अलग अलग तरह के जो हैं कैंडल होल्डर्स हैं, बहुत सुंदर लगते हैं हैंग किए हुए भी। और ये वैरायटी सब कैंडल्स की हैं। इनके प्राइजेस स्टार्ट हो जाते हैं 200-250 रुपीज़ के अराउंड। और देखिए, इस तरह के एम्प्टी जार आप ले सकते हैं अपनी खुद की कैंडल्स बनाने के लिए। वैक्स वगैरह आपको ऑनलाइन अब बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो इनके पास काफ़ी अच्छा सामान था और इनकी शॉप पर आपको 100 रुपीज़ से लेकर 2000 या 3000 रुपीज़ तक का हर सामान मिल जाएगा। एक एक सामान का प्राइस नहीं पूछा मैंने, कुछ सामान का प्राइस था जो मैंने आपको बता दिया। ये शॉप नंबर 155 है, 15 है। अगर आपको रीज़नेबल प्राइस पर सामान चाहिए तो इनकी शॉप पर ज़रूर जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि आपके प्राइस में आपको सामान दे दे। क्योंकि मेरे सामने खुद एक कपल 50 रुपीज़ का कैंडल लाइट होल्डर लेके गया है, 50 रुपीज़ का, बहुत सुंदर था। उनके पास पीस नहीं थे, मैंने भी लेना था बट वो नहीं मिला। सो इनके पास आपको मेटालिक का सामान भी मिल जाएगा, जिस तरह से ये वास हुए, यूनिक सी एक वॉच है ये, सर्कल्ड हो जाती है जैसे घूमती है, ये मेटालिक में आपको सामान बहुत सुंदर सुंदर मेटालिक सामान मिल जाएगा। और इनके प्राइजेज भी आराम से 50 रुपीज़ से स्टार्ट होके और आराम से 1000 या 2000, 2500 तक चले जाते हैं। क्योंकि इनकी शॉप पर थोड़ा सा लिमिटेड सामान है, तो आप विज़िट करें, आपको रीज़नेबल प्राइस पर आराम से सामान मिल जाएगा। मेटालिक की अगर मैं बात करूँ, मेटालिक की होम डेकोर से रिलेटेड मेटालिक का सामान आपको पूरी मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ना, तो ये वाली मार्केट बहुत डीप और बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखता जाएगा इसमें। बंजारा मार्केट बहुत सारी हैं, 3-4 बंजारा मार्केट हैं ऑन रोड ये पड़ती हैं। 56 की मार्केट है वो ऑन रोड पड़ती है। ये एक ही डायरेक्शन में कुछ मार्केट्स हैं, 56 की हुई, 58 और 55 की, बहुत सुंदर मार्केट है। और अगर मैं बात करूँ फर्नीचर का कलेक्शन आपको सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा 55 की मार्केट में मिलेगा। यहाँ पर फर्नीचर का कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अगर आप फर्नीचर लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, बहुत ही सुंदर फर्नीचर आपको मिलेगा 55 की मार्केट में, बहुत ही अलग डिफरेंट तरह का। ये शॉप नंबर 3 है। इनके पास भी काफ़ी अच्छा सामान था, यूनिक सा सामान था। अगर आप इस तरह के गिलास, वैसे तो हम इसे कैंडल लाइट टी होल्डर ही बोलते हैं, आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक टी डालकर इसमें रियल कैंडल मत डालें, सॉरी, क्योंकि रियल कैंडल हार्म करेगी गिलास को, आप इलेक्ट्रिक वो डाल सकते हैं। इस तरह की वॉच का कलेक्शन काफ़ी आया हुआ है। ये वॉच उन्होंने कोट की थी 1500 के अराउंड और आराम से आपको ये 700 या 800 में आराम से दे देंगे। बात करूं अगर मैं इनके लैंप्स की, लैंप्स का प्राइस, ये सिंगल पीस बोलते हैं 2500 रुपये, और ये वाला लैंप आपको आराम से 900 या 800 तक का दे देंगे। ये कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी कुछ चीज़ें थी जो अलग अलग शॉप पर एक ही चीज़ बहुत बार दिखाई दी गई। एक तो ये वाले कैंडल होल्डर है, ये भी उन्होंने कैंडल होल्डर ही बोले थे, या वास, एज ए वास आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो बकेट थी, वो वाली बकेट उन्होंने 150 कोट की थी और ये वाली बास्केट उन्होंने 350 की कोट की थी। इस तरह के छोटे छोटे आर्टिकल्स, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप छोटे छोटे आर्टिकल्स लें अपने घर के लिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगते हैं, जिससे घर भरा भरा रहता है। इस तरह के ये जार मिल जाएंगे आपको
देखिए, सामान लेना मार्केट में, अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आपको नहीं पता कि किस शॉप पर कैसा सामान मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बार्गेनिंग स्किल आनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना बार्गेनिंग करें वहाँ से सामान लोगे तो आपको बहुत कॉस्टली मार्केट भी लगेगी और सामान भी लगेगा। तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोलती हूँ कि वीडियो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही वीडियो देखें, बट वीडियो को देख के जाएं, क्योंकि इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या प्राइस कोट करते हैं और आपको किस प्राइस तक वो सामान मिल जाएगा। सिर्फ रीज़न ये होता है वीडियो को देखने का। इस तरह के ना कंटेनर्स आपको मिल जाएंगे, जो फूड कंटेनर्स होते हैं या फूड स्टोरेज बॉक्स होते हैं, आप इनमें स्टोर भी करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये कि आप इसमें खाना ही सर्व करें, आप इन्हें एज ए कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे दालें हुई या कुछ भी सामान आप इसमें डाल के रख सकते हैं। कप की वैरायटी आपको मिल जाएंगी, प्राइजेस कप की 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। बल्क में लेते हैं जैसे वो 25 या 30 रुपीज़ आराम से कर देंगे। बिग साइज़ ऑफ बाउल आपको मिल जाएंगे, उनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जैसे इस तरह की प्लेट मिल जाएंगी, जैसे पास्ता प्लेट्स हुई, ये 250 की कोट करते हैं, ये आराम से आपको लेंगे तो 100 रुपीज़ तक की आपको ये कोट करते हैं, 80 तक की भी आपको दे देंगे। कुछ प्लेट्स के रेट थोड़े से हाई होते हैं, जो ज़्यादा स्टाइलिस्ट होती हैं उन प्लेट के रेट थोड़े से हाई बोलते हैं। और जो ये सर्विंग बाउल है, इनका प्राइस वो ओनली 900 सिंगल का बोल रहे थे, तो ये काफ़ी कॉस्टली है, इसे मैं नहीं लेना है। 900 में तो मैं 3 सेट ले लूँ, कॉस्टली अगर आपको ये लेने तो 500 में 3 का सेट ही आप ले, उसे कम ना ले। तो कैंडल्स की शॉप्स जैसे मैंने आपको बताई पहले भी, एक नंबर शॉप भी थी, शॉप मार्केट वहीं से स्टार्ट होती है। ग्लास के जार्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, बहुत ही अलग अलग यूनिक सी वैरायटी है, हैंगिंग में आप ले सकते हैं या फिर टेबल पे जो रखने वाली होती है वो आप ले सकते हैं। वैरायटी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। लैंप की वैरायटी आपको बहुत मिल जाएंगी मार्केट में। सामान सैटरडे संडे जाएं, काफ़ी अच्छा सामान वो लगा के रखते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर मिलता है आपको, बट बार्गेनिंग स्किल, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी डील आप ला के लेके जा सकते हैं। मार्केट में सैटरडे संडे को काफ़ी रश होता है, आप जा भी सकते हैं अगर आपको वीक डेज़ में भी जाना है, बट शाम के टाइम जाएं, मार्केट उस टाइम ज़्यादा खुली होती है अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा मार्केट वो ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है। तो शाम को अगर आपको जाना है तो 4, 4:30, 5 के अराउंड जाएं, मार्केट ज़्यादातर आपको खुली मिलेंगे। अगर आपको एस्थेटिक चीज़ें लेनी है तो वो भी बहुत भरमार है एस्थेटिक चीज़ों की। इस तरह के कप प्लेट्स काफ़ी चले हुए हैं मार्केट में, और ये आई थिंक इनका कोट भी थोड़ा कॉस्टली करते हैं, तो कोशिश ये करें 100 रुपीज़ का पूरा सेट आप ये लें, इससे ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं है। जैसे 100 अगर 50 रुपीज़ का वो कप दे रहे हैं तो 50 रुपीज़ का नीचे का स्टैंड ले, 80 रुपीज़ में भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको, बार्गेनिंग स्केल आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह के जो वाटर कैन होते हैं ये आपको मिल जाएंगे, कोट उन्होंने 500 रुपीज़ किया था, 300 या 250 तक का आपको मिल जाएगा। मेटल में है, ये प्योर मेटल है। मेटेलिक की चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी, आपको बल्क में अगर आपको लेनी है, किसी को एज ए गिफ्ट करना है, किसी की शादी के लिए या फिर किसी की होम रूम सेरेमनी के लिए, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है ये आपको किसी भी पर्पस से गिफ्ट, एज ए गिफ्ट लेने की या गिफ्ट देने के लिए। सो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक बार बंजारा मार्केट में ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ही चीज़ें आपको मिलने वाली है बंजारा मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, और आपको अच्छी भी लगेंगी नो डाउट। जो बाज़ार से आप कारपेट हुआ या कोई सामान हुआ, मार्केट के प्राइस में बोलूँ, मार्केट से भी अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पर डील मिल जाएंगी। या मैं पोट्स की बताऊं, या फिर मैं प्लेट्स, किचन क्रोकरीज की बात कर रही हूं, या फिर होम डेकोर मेटैलिक हो, या फिर सिल्वर मेटल आइटम्स हो, लैंप हुए, वासिस हुए, इनकी अगर मैं बात करूं तो हर जो सामान है आपको A1 मिलने वाला है। तो वीडियो, जैसे मैंने आपको बोला है, वीडियो देख कर जाएं अगर आपको कुछ भी सामान मार्केट से बाय करना है। कारपेट्स वगैरह की प्राइस आपको मिल जाएंगी, 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे अच्छी वैरायटी लेंगे तो थोड़ा 150 तक का भी चला जाएगा। थ्रो वगैरह ये 800 रुपये कोट करते हैं, बट आपको ये 300-400 तक दे देंगे, कोशिश ही करते हैं, क्योंकि लास्ट इनका प्राइस आई थिंक 400 या 500 ही होता है, इससे कम ये नहीं करते हैं।
कुछ थ्रो ऐसे होते हैं वो दे भी देते हैं 350 के अराउंड। जूट में आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा जो बहुत लुक होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ कारपेट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और देखिए इस तरह के प्रिंट जो एस्थेटिक्स प्रिंट होते हैं कुशंस कवर के, 150 रुपीज़ का आपको ये मिलेगा। बार्गेनिंग स्केल इनमें नहीं होता, ज़्यादातर ये 150 का ही बोलते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि कुशंस किस तरह से देते हैं जो फाइनल प्राइस होता है। देखिए अगर आप बेडशीट वाली शॉप पे जाओगे ना, उनके कुशन थोड़े कॉस्टली मिलेंगे आपको, वो कॉस्टली देते हैं। और जहाँ तक लास्ट अगर सुंदर कुशन का सेट अगर आप लेंगे तो 400 तक का आपको मिल जाएगा, सेट बोल रही हूँ मैं, अदर जो ये कारपेट एरिया वाली शॉप होती है ना उनसे अगर लोग, 400 तक का सेट आपको मिल जाएगा बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने खुद बाय किया हुआ है तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। अगर आप सिंगल पीस लेते हैं तो 150 तक का आराम से रेक्टेंगुलर जो पीसीज आते हैं ना वो वाले पीस आपको मिल जाएंगे आराम से, 150 या 200 रुपीज़ की, साइज़ पे डिपेंड करता है। सबसे मेन बात ये होती है कि आप कितना बड़ा साइज़ ले रहे हैं। बट आपको 500 या 400 तक का सेट ऑफ टू कुशंस कवर बहुत ही सुंदर मिल जाएंगे। इस वाली शॉप पर क्रोकरी का कलेक्शन बहुत सुंदर था, और ये आई थिंक अगरबत्ती के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप यूज़ करते हैं तो अगरबत्ती इसमें लगाकर अगरबत्ती स्टैंड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होल दिया हुआ है, उसमें आपको लगाना है, उसकी डस्ट इसके बीच में गिरती रहेगी। कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छा था, बल्क में था, आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको पसंद आई होगी। सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।